कैसा हो फ्रेंड्स, मजे में होंगे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स बहुत स्वागत है तो आपका मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो फ्रेंड्स मैं नयन पांडव, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के बारे में बात करेंगे कि भाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो स्कीम लॉन्च की थी वो क्या है, उसके बेनिफिट्स क्या है, हम उसमें कैसे एनरोल कर सकते हैं, उसका प्रीमियम कितना कटता है, तो जो भी चीज़ें आज की इस वीडियो में मैं करूँगा क्लियर। तो फ्रेंड्स वीडियो एंड तक ज़रूर से देखिए पूरी डिटेल लेने के लिए, क्योंकि आधी डिटेल से आपको कुछ स्किप करेंगे और कुछ मिस आउट करेंगे तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जी हाँ, तो फ्रेंड्स दूसरे एक मेरी रिक्वेस्ट है, जो भी लोग मेरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो उसको प्लीज़ रिक्वेस्ट है, यदि मेरे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि गवर्नमेंट की कुछ ना कुछ स्कीम आएगी तो मेरी यूट्यूब चैनल पर आती रहती है। तो फ्रेंड्स वीडियो को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो जी हाँ फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्रधानमंत्री बीमा सुरक्षा योजना। तो ये जो स्कीम है वो 18 से लेकर 70 साल तक आप एनरोल कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एक स्कीम है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना वो एक एक्सीडेंटल डेथ बेनिफिट है। यदि आपका कोई भी किसी भी कारण से एक्सीडेंटल डेथ हो जाता है, आपको कुछ हार्ट अटैक आ जाता है, कुछ इंसिडेंटली आपके साथ कुछ ऐसी घटनाएं हो जाती है जिसकी वजह से डेथ हो जाता है जो भी पर्सन है उसका, तो ये केस में क्या होता है कि ये जो गवर्नमेंट स्कीम दे रही है उसमें 12 रुपया टोटल प्रीमियम कटेगा, वो हर साल कटेगा, एनुअली कटेगा, और वो आपको जब तक आपका जो भी बैंक अकाउंट है उससे कटेगा। और मेक श्योर करना है आपके अकाउंट में बैलेंस रहना चाहिए जब आपका ये जो स्कीम का रिन्यूअल आए तब। फिर क्या होगा, यदि आपके अकाउंट में बैलेंस नहीं होगा तो ये जो भी स्कीम है ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाती है। यदि आपके बैंक अकाउंट में पैसा नहीं होता है, फंड इनसफिशिएंट है, रिटर्न हो जाता है आपका ECS, तो ये स्कीम कैंसिल हो जाती है। तो कैंसिल ना हो इसके लिए आप फंड सफिशिएंट रख दीजिए, और ये जो है वो आप 18 से लेकर 70 साल तक एनरोल कर सकते हैं। आपको कुछ भी होता है तो आप ये जो भी प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स आपको पता होगा कि भाई ये कोरोना के टाइम में काफ़ी सारे लोगों के अपने इंडिया में डेथ हुए, तो ये केसेस में जो भी लोगों ने ये स्कीम करवा के रखी हुई थी तो उसको उसका बेनिफिट ज़रूर से मिला है। जी आप चेक कर सकते हो, गूगल कर सकते हो कितने लोगों को उसका बेनिफिट मिला है। तो ये जो भी स्कीम है वो ज़रूर से करवा दीजिए कि ऐसा ना हो कि कुछ भी घटना हमारे साथ घट सकती है, ठीक है। और दूसरा कि ये जो प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है वो अपना माननीय वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी जी ने लॉन्च की थी स्कीम, ताकि वो जो अपन अपने इंडिया में उसका जो भी सुरक्षा है वो सुरक्षा बनाए रखे, इसके लिए ये स्कीम लॉन्च की थी। तो फ्रेंड्स आप ये स्कीम है ना आप कोई भी बैंक में एनरोल कर सकते हैं। आप यदि चाहे आपके कोई प्राइवेट बैंक है, कोई आपकी गवर्नमेंट बैंक है, SBI है प्राइवेट बैंक में, HDFC, एक्सिस बैंक, कोई भी बैंक से, कोऑपरेटिव बैंक से भी आप एनरोल कर सकते हो। जी हाँ, तो ये जो भी स्कीम है वो ज़रूर से करवा दीजिए। आपने एनरोल नहीं किया तो उसका सिंपल सा एक फॉर्म आएगा, और उसमें दूसरा कि आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए। जी हाँ, आधार कार्ड कंपलसरी है यदि ये स्कीम में। दूसरा ये भी, यदि आपको कुछ आपका जो भी ऑर्गन है वो डिसएबिलिटी हो जाते तो भी आपको 1 लाख रुपीज़ का जो भी इंश्योरेंस है वो मिलता है। जी हाँ, ये स्कीम में 1 लाख रुपीज़ का इंश्योरेंस मिलता है, और उसमें जो भी टोटल है यदि डेथ हो जाता है तो 2 लाख का कवर मिलता है, ठीक है। तो आपको कुछ भी होता है, कुछ डिसेबिलिटी हो जाता है, कुछ आपका ये पैर रह गया, कुछ भी हो गया, तो ये केसेस में आपको वो मिल सकता है पैसा, ठीक है। तो ये चीज़ ज़रूर से करवा के रखिए, क्योंकि बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आजकल पता नहीं कब का कौन लोगों का क्या होगा, हमको भी पता नहीं है क्या होगा, कल क्या होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स होप करता हूँ आज का ये वीडियो पसंद आया होगा, पसंद आया तो वीडियो को कर दीजिए लाइक, नीचे कमेंट जरूर से कीजिए आपको ये वीडियो कैसा लगा। यदि आपको कोई दूसरी भी गवर्नमेंट की स्कीम है वो जानना है तो नीचे कमेंट कीजिए, मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा पूरी डिटेल के साथ, आपको क्या करना है, कौन से डॉक्यूमेंट लगेगी, कहाँ पर जाना है, सारी डिटेल मैं आपको कर दूंगा क्लियर। तो नीचे कमेंट करना ना भूलें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करो तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए, क्योंकि इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो जाए। तो फ्रेंड्स ऐसे ही गवर्नमेंट की स्कीम, दूसरी स्कीम लेके फिर मिलेंगे, तब तक के लिए दे दीजिए इजाज़त।